सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। गर्मी आ गई है और ऐसे में कुछ हल्का फुल्का और बहुत झटपट बनाने का अगर दिल करे तो हम बना सकते हैं ये बेसन की दही फुल्की। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो झटपट बनने वाली, कुछ ही मिनटों में बनने वाली दही फुल्की की रेसिपी है। बहुत आसान है, बहुत ही लाइट रेसिपी है। बहुत ज़्यादा ये दही फुल्की जो है वो हैवी नहीं लगती है खाने में। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं, या फिर चाहे तो ऐसे ही इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाइट और बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी है। तो आइए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो दही फुल्की के लिए सबसे पहले हम फुल्की बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसके अंदर हम डालने वाले हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और 2 चुटकी मैंने लिया है खाने वाला मीठा सोडा। तो सभी चीज़ें हम बेसन में डाल के इसका एक घोल बना लेते हैं। घोल जो बनाएंगे वो ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा। तो ये नमक डाल दिया है, ये पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और ये मीठा सोडा। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक मैं घोल बना लूँगी। कभी भी बेसन में एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए वरना इसके अंदर लम्प्स बन जाते हैं, गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पहले डाल के इसको आप मिक्स कर लीजिए और बाद में इसमें पानी डाल के अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। देख लीजिए बेसन का घोल तैयार हो गया है, ना तो बहुत पतला है ये और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ये। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने रख दिया है, तो अब हम इसकी फुल्कियों को फ्राई कर लेते हैं। तो फुल्कियाँ मैं स्पून से बनाने वाली हूँ, चम्मच से, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। इस तरह से मीडियम हॉट ऑयल पर ये मैं 1-1 चम्मच डाल देती हूँ। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है इसका और इनका साइज भी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये मैंने सभी डाल दिए हैं, तो बस इनको मैं फ्राई कर लूंगी मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करते हुए। और देख लीजिए इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो इनमें होल्स होने लगे हैं तो इसका मतलब है ये अच्छे से अंदर से सॉफ्ट में है, इनमें गांठे नहीं हैं। तो बस इनको मैं अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेती हूँ। आ गया है अच्छा सा कलर, तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देख लीजिए आप कितनी खूबसूरत ये नज़र आ रही हैं। फुल्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, अब हम अपनी दही को तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है तकरीबन 600 ग्राम दही। दही आप चेक कर लीजिएगा कि मीठी दही हो, खट्टी ज़्यादा ना हो, फ्रेश दही हो और गाढ़ी हो। तो ये 600 ग्राम है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 3 से 4 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और इनको मैंने कूट लिया है अच्छे से। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक। तो ये सभी चीज़ें मैं दही में डाल देती हूँ। नमक और मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहे। तो दही जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो इसमें अब हम डालेंगे पानी, क्योंकि जो दही फुल्की के लिए जो फुल्कियाँ हमने बनाई हैं उनको हम अलग से पानी में नहीं भिगोते हैं, इसी को हम काफ़ी पतला कर लेंगे। तो 1 मग मैंने पानी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो फुल्कियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा दही और पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा ही डालिएगा। मेरे हिसाब से ये अभी भी गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी मैं और डालती हूँ। तो 1/2 कप तकरीबन मैंने पानी इसमें और डाला है, आप देख लीजिए। और इसके अंदर अब मैं डाल देती हूँ ये फुल्कियाँ और इसको थोड़ी देर हम भीगने देंगे। इतने में हम इसके लिए प्याज वगैरह काट लेते हैं। थोड़ी देर भीगने से ये होगा कि जो भी पानी वगैरह है और दही है ये फुल्के एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो
तो अब हम देख लेते हैं हमें और क्या चीज़ें चाहिए। तो तड़का लगाएंगे हम इसके अंदर। उसके लिए मैंने ली है 2 सूखी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी मैंने प्याज को इस तरह से गोलाई में काट लिया है, और ये थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया है। ये हम दही फुलके के अंदर डालेंगे, आपकी पसंद है, चाहे डालें चाहे स्किप कर दें। तो अब मैं लगा लेती हूँ तड़का। तड़के के लिए मैंने पैन में ले लिया है 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल, और ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जीरा और सूखी लाल मिर्च। और जीरे को हम थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं। जीरे का कलर चेंज हो गया है, अब हम ये तड़का डाल देते हैं अपनी दही फुलकी में। और गार्निश कर लेते हैं हम इसको बारीक कटे हरा धनिया के साथ, काफी सारा, क्योंकि मैंने इसको अंदर नहीं डाला है दही फुलकी के। और डाल देते हैं प्याज, ये पसंद के हिसाब से, जितनी चाहें जिस तरह से चाहें। तैयार है हमारी बेसन की दही फुलकी, कितनी शानदार नजर आ रही है, और बनाने में इसको लगे हैं सिर्फ कुछ ही मिनट। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।